हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इतिहास का एक टॉपिक और जो हमारा चल रहा है आधुनिक इतिहास। और अगर आपको सभी वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर प्रैक्टिस सेट बी के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है और टॉपिक वाइज जो एंशंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक सभी क्वेश्चंस और आंसर MCQs अवेलेबल है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटिश सत्ता और देसी राज्य के मध्य बराबरी के आधार पर संधि व समझौता किए गए। संधि और समझौता किए गए किसके आधार पर संधि और समझौते किए गए? तो ये सुरक्षा घेरे की नीति के समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा गया था, तो मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा गया था तो ये मराठों के विरुद्ध रखा गया था। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे उत्तर बनेगा। विजय की योजना तथा साम्राज्य विस्तार की नीति को त्यागने की घोषणा की थी, तो इसकी घोषणा की थी पिट इंडियन एक्ट के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सहायक संधि में सम्मिलित नहीं था, तो क्या सम्मिलित नहीं था? देसी राज्य में ब्रिटिश सेना रखना ये सम्मिलित था, राज्य में रेजिडेंट रखना ये भी सम्मिलित था, गोद लेने की अनुमति लेना ये सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट होगा। विदेशियों को राज्य सेवा में ना रखना ये सम्मिलित था। तो जो सम्मिलित नहीं था, क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं था सहायक संधि में, तो गोद लेने की अनुमति लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सहायक संधि किस राज्य के साथ वैलेचली ने नहीं की, यानी जिनके साथ हुई उनको छोड़कर जिससे नहीं हुआ उसे हमें चूज करना है। तो पंजाब के साथ सहायक संधि नहीं हुई, अवध के साथ हुई थी, हैदराबाद के साथ हुई थी, पेशवा के साथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी मराठा शक्ति का अंत लॉर्ड हेस्टिंग ने कर दिया? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था पेशवा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर से देख लेते हैं, कौन सी मराठा शक्ति का अंत लॉर्ड हेस्टिंग ने कर दिया था? तो पेशवाओं का, भोसले का नहीं हुआ था, सिंधिया का नहीं हुआ था और होलकर का नहीं हुआ था, केवल पेशवा का अंत कर दिया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। राजपूत राज्य की स्थायी रूप से सहायक संधि के अंतर्गत लिया, तो सहायक संधि के अंतर्गत लिया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराधिकार के प्रश्न पर राज्य की ब्रिटिश सत्ता की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी, इस नीति की स्थापना की, तो इस नीति की स्थापना 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी। किस रियासत का विलय विलियम बेंटिक के समय में हुआ? तो विलियम बेंटिक के समय में हुआ था मैसूर का। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य का विलय डलहौजी ने कुशासन के आरोप में किया? तो ये हुआ था अवध का और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप देख रहे होंगे ये रिपीट भी बहुत होता है क्वेश्चन। डलहौजी द्वारा दिए गए किस राज्य के विलय को डायरेक्टरों ने निरस्त कर दिया? तो निरस्त किया गया था करौली। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दार्जिलिंग को ब्रिटिश भारत में सम्मिलित किया, तो दार्जिलिंग को सम्मिलित किया था लॉर्ड डलहौजी ने।
लॉर्ड ऑकलैंड ने किस रियासत को ब्रिटिश राज्य में मिलाया? तो ब्रिटिश राज्य में मिलाया था उपयुक्त सभी को, ऑकलैंड के द्वारा किया गया था, जालौर, कर्नूल, मांडवी। सिंध प्रदेश को जीतकर अंग्रेजी राज्य में मिलाया, तो सिंध प्रदेश को जीतकर अंग्रेजी राज्य में मिलाया था नेपियर ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया यहाँ पे। देसी राज्य को अंग्रेजी राज्य में ना मिलाने का वचन दिया गया, तो ये वचन दिया गया था महारानी विक्टोरिया की घोषणा से, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में राज्य की इच्छा के विरुद्ध रेल मार्ग का निर्माण किया गया? तो रेल मार्ग का निर्माण किया गया था पटियाला, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहाँ के राजा को गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया तथा उसके उत्तराधिकारी अधिकार से वंचित कर दिए गए? तो वंचित किए गए थे और गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था, तो ये था बीकानेर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। राजा की परिषदीय गठित राजाओं की परिषद गठित करने का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत करने वाले थे लॉर्ड लिटन। नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना का वर्ष पूछा गया है, 1921 में ये स्थापित हुआ था। ब्रिटिश सत्ता व देशी राज्य के मध्य संबंधों पर विचार करने के लिए नियुक्त कमेटी थी, तो जो कमेटी नियुक्त की गई थी वो थी बटलर कमेटी। इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स का गठन किया गया, तो इसका गठन हुआ था 1914 से पूर्व। गोलमेज परिषद सम्मेलन में राजाओं के विशेष सलाहकार थे, तो राजाओं के जो विशेष सलाहकार नियुक्त किए गए थे वो थे रश ब्रुक विलियम्स। देसी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व का अंत हुआ, तो प्रभुत्व का अंत हुआ भारत स्वतंत्रता अधिनियम से। यहाँ पर देखिए कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है, नीचे दिए गए कथन ए और कारण दे रहा है आर से, तो स्टडी कर लेते हैं इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 24 से कथन और कारण के क्वेश्चन शुरू हुए हैं। कथन है, इलाहाबाद की संधि 1765 में अवध में मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा गया। मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा गया, ये करेक्ट होगा। रीजन देख लेते हैं, उस राज्य कंपनी मराठा से टकराने से बचना चाहती थी, ये भी करेक्ट है। उस समय कंपनी मराठा से टकराने से बचना चाहती थी, ये भी करेक्ट होगा। तो हमारा जो ऑप्शन बन जाएगा वो हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है, आर कथन और ए, ये वाला जो है ऑप्शन ए, दोनों कथन सत्य है तथा आर तथा ए की सही व्याख्या दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, पिट इंडियन एक्ट ने साम्राज्य विस्तार की नीति पर रोक लगा दी, ये करेक्ट है। फिर रीजन देख लेते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू का आधा राज्य तृतीय मैसूर युद्ध द्वारा छीन लिया, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं, लेकिन व्याख्या नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26, वेलेजली की नीति सहायक संधि की नीति थी, करेक्ट है। इस नीति में देसी राज्यों की सहायता राज्य विस्तार के लिए की गई, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो इसमें उत्तर बनेगा वो बन जाएगा, दोनों कथन सत्य है और आर कथन ए की सही व्याख्या भी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, कथन दे रहा है, महारानी विक्टोरिया ने अपनी
घोषणा में देसी राज्यों की पुनः स्थापना का वचन दिया। ये गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट है। फिर रीज़न दे रहा है, देसी राज्यों ने 1857 की क्रांति का दमन करने में ब्रिटिश राज्य की सहायता की, तो ये भी गलत है। तो इसमें आंसर हम देख लेते हैं, ये करेक्ट होगा, सॉरी। देसी राज्यों ने 1857 की क्रांति के दमन में सहायता की थी, कुछ ने तो सहायता की थी, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, अगर आप इसका सही उत्तर जानते हैं तो इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, संघ राज्य के सरकारी प्रस्तावों में देसी राज्यों को सम्मिलित किया गया, देसी राज्यों को सम्मिलित किया गया था, सत्य है, सही होगा। फिर ब्रिटिश सरकार भारत की एकता की पक्षधर थी, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो बन जाएगा वो नीचे देख लेते हैं, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। फिर से कथन कारण का क्वेश्चन है, 1935 के संविधान में संघीय व्यवस्था में देसी राज्यों को विशेष स्थान दिया गया, सही है। और रीजन देख लेते हैं, ब्रिटिश सत्ता देसी राज्यों को राष्ट्रीयता के विरुद्ध रोकने के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी, ये भी सही होगा। तो इसमें हमारा जो आंसर बन जाएगा वो देख लेते हैं, दोनों कथन सत्य है, ए की सही व्याख्या भी दे रहा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है उसे पहचानना है। ए कहता है अवध का विलय डलहौजी के समय, सही है। टीपू का अंत वैलेजली के समय, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैसूर का अंत एलन बरो, ये गलत दिया हुआ है। पेशवा का अंत लॉर्ड हेस्टिंग के समय, ये करेक्ट है। सर्वोच्चता के संबंध में कौन कथन असत्य है, यानी जो कथन असत्य है उसे ही हमें चूज करना है। सबसे पहले दे रहा है सर्वोच्चता, सर्वोच्च सत्ता राजा को पदच्युत कर सकती थी। बी कहता है सर्वोच्च सत्ता की अनुमति उत्तराधिकार के लिए जरूरी थी। सर्वोच्च सत्ता राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती थी। सर्वोच्च सत्ता कानून से मर्यादित थी, तो इसमें हमारा आंसर डी होगा, मर्यादित थी, ये इनकरेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी जो इनकरेक्ट है उसे ही हमें फिर से चूज करना है। इसमें से 1935 में स्थापित संघ में राज्य की सदस्यता स्वैच्छिक थी, करेक्ट है। आधे राज्यों के सम्मिलित होने पर भी संघ स्थापित होता था, ये इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर बनेगा। असेंबली में राज्यों को 33% स्थान दिए गए थे, ये करेक्ट है। काउंसिल में उन्हें 40% प्रतिनिधित्व था, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट जो बन रहा है वो हो रहा है ऑप्शन बी, आधे राज्यों के सम्मिलित होने पर ही संघ स्थापित होता। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो फिर से इनकरेक्ट को ही चूज करना है हमें। बेसिन की संधि लॉर्ड वैलेजली, करेक्ट है। जयपुर से पहली संधि जॉर्ज बार्लो, ये इनकरेक्ट है। पूना की संधि लॉर्ड हेस्टिंग, अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो, ये सभी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न को सही तिथि क्रम दीजिए, यानी इन्हें क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो सबसे पहले आ जाएगा वो हो जाएगा सतारा का विलय नंबर 1 पे, इसके बाद हम रखेंगे पाल घाट का विलय नंबर 2 पे,
और फिर हम रखेंगे झांसी विलय नंबर 3 पे, और सबसे लास्ट में नागपुर का विलय। क्वेश्चन नंबर 35, और इसमें भी हमें सही तिथि क्रम में इसे व्यवस्थित करना है, तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले जो आ जाएगा वो हो जाएगा मैसूर का अंत, दूसरे में आ जाएगा कचरा राज्य चार राज्य का अंत, नंबर 2 पे हम रखेंगे। इसके बाद हम रखेंगे कुर्ग राज्य का अंत, नंबर 3 पे, और सबसे लास्ट में रखेंगे जालौर राज्य का अंत। इस क्रम में आप व्यवस्थित कर लीजिए। किसके शासनकाल में देसी राज्यों को संधि जारी की गई? तो संधि जारी की गई थी लॉर्ड कैनिंग के समय, ऑप्शन बी है इसमें हमारा करेक्ट होगा। किस गवर्नर जनरल ने कहा कि देसी राज्य अपनी प्रजा के दास और स्वामी दोनों हैं? तो दास और स्वामी दोनों ही हैं, ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। देसी राज्यों के विदेशी भ्रमण पर आपत्ति करने वाला वायसराय था, तो ये वायसराय था कर्जन, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा में देसी राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या थी, तो जो प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित की गई थी वो थी 93। देसी राज्यों के प्रति अधीनस्थ संघ की नीति का काल है, तो अधीनस्थ नीति का काल जो माना जाता है वो माना जाता है 1858 से 1935 के मध्य का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में, यहाँ से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। ये रहे यूजीसी नेट के आपके ओल्ड पेपर जिसे मैंने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और जो अभी प्रैक्टिस सेट भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। MCQs प्रैक्टिस सेट भी, इसमें सभी पेपर आपको टॉपिक वाइज एंशियंट, मिडविल और मॉडर्न के MCQs मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो आप देख सकते हैं इसे यहाँ सर। और इसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर लिंक दिया गया है प्रैक्टिस सेट बी के नाम से, तो लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो CTET के एग्ज़ाम होते हैं उसके भी ओल्ड पेपर संडे टू संडे प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देखें। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।